हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकाली है ग्रुप सी की। दोस्तों साथ में इसके साथ है दोस्तों, अगर बात करते हैं सिंपलीफाई मैन MTS ड्राइवर की, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, लगभग 100 पोस्ट यहाँ पर निकली है और जो फीस है वो भी बिल्कुल जीरो रहेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफलाइन आवेदन पत्र है वो कैसे फिल करना है, आप उस ऑफलाइन आवेदन पत्र को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर दोस्तों पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि पेज दो है, लेकिन दूसरा पेज जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दूसरा पेज जो है केवल EWS कैंडिडेट यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है उनके लिए है। ये इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट है। अगर आप दोस्तों EWS कैंडिडेट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दोस्तों ये आपको पेज ना ही डाउनलोड करना है, ना ही प्रिंट आउट निकालना है, ना ही फिल करना है और ना ही भेजना है। तो दोस्तों ये जो सेकंड पेज है यानी कनेक्टर सेकंड जो है, ये केवल EWS कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो ही इसे फिल करेंगे, तो ही इसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड पेज है, इसका डाउट क्लियर हो चुका है। अब देखिए जो रियल पेज है यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, हम उसको चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको पूछा गया कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप दोस्तों फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर ड्राइवर के, या फिर स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और दोस्तों अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि पोस्ट अप्लाइड फॉर फिर दोबारा से यहाँ पर पूछा गया, तो दोबारा से अपनी पोस्ट यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, आपके फोटो जो ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों उस पर क्रॉस सिग्नेचर करने, यानी कि जो डेट जो है आपको उस पर सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 2 में देखिए दोस्तों, आपके नाम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। आपका नाम जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, उसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही लिखनी है। इसके बाद आपके फादर का नाम, और इसके बाद आपको अपनी DOB लिखनी होगी। दोस्तों आपकी DOB जो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि आपके 10वीं या फिर 12वीं के जो सर्टिफिकेट्स है उनके मैच होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में और इंग्लिश में फिल करना है। अगर आप हिंदी में फिल करते हैं या फिर दोस्तों छोटे वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेशनलिटी आपसे पूछी गई है, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। साथ ही दोस्तों कॉलम नंबर 6 जो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछे गए, यानी कि आपकी बॉडी पर ऐसे जो 2 मार्क्स जिससे सामने वाले ऑफिसर जो आपको पहचान सके, जैसे कि आपके कोई हाथ पर या फिर पैर पर या फिर चिक्स पर कोई मोल हो, कोई कट हो, फोरहेड पर कोई कट हो, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। दोस्तों दो दो आपको यहाँ पर लिखने, अगर आपके बॉडी पर कोई मोल है या फिर कोई कट है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कॉलम नंबर 7, यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप SC ST OBC जनरल EWS की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पास यानी कि 10वीं 12वीं या फिर ITI डिप्लोमा जो किया है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है इसमें ईयर ऑफ पासिंग यानी किस ईयर में पास किया था उसकी जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों डिवीजन ग्रेड और परसेंटेज ऑफ मार्क यानी कि कितने टोटल परसेंटेज आए आपका डिवीजन या फिर ग्रेड क्या था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और लास्ट में दोस्तों नेम ऑफ बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन यानी आपने किस बोर्ड से किया था, आपने राजस्थान बोर्ड से किया था, हरियाणा बोर्ड से किया था, या दिल्ली बोर्ड से किया था, आप जिस भी स्टेट बोर्ड से किया था उस स्टेट बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 10 में दोस्तों आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा है या नहीं, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 11 जो है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, दोस्तों आपका एड्रेस जो बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉलम नंबर 12 में दोस्तों आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया, यानी कि अगर आपके पास 2 एड्रेस है तो दोनों अलग अलग कॉलम में फिल कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों सेम एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों एड्रेस जो बिल्कुल सही होना चाहिए, पिन कोड भी बिल्कुल सही होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास वापसी में कोई एडमिट कार्ड आता है तो सही पते पर आपके पास पहुंच जाए। इसके बाद देखिए कॉलम नंबर जो 13 है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड मेल आईडी नहीं है तो दोस्तों उसकी इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही लिखने होंगे। इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन दी गई है,
हालांकि डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यानी कि आपका जो बाया हाथ का जो अंगूठा है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पैलेस लिखना है और डेट लिखना है। पैलेस और डेट दोस्तों आपको कन्फ्यूजन रहता है तो मैं बता दूँ, जिस पैलेस यानी जहाँ पर बैठ कर आप फिल करें उस पैलेस का नाम, और जिस डेट को आप फिल करें उस डेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा फॉर्म कुल 13 कॉलम है, बिल्कुल ईजी फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का फॉर्म है। आई होप कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सिंपली मैं आपको बता दूं आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके एजुकेशन के यानी 10वीं 12वीं या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आपको इसके साथ लगाने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपके डोमोसाइल, आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो आपको लगानी होगी, और दोस्तों एक एक्स्ट्रा जो फोटो है वो आपको भेजनी होगी। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए यानी कि इन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और दोस्तों रियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि असली डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने, केवल उनकी फोटोकॉपी ही भेजनी होगी। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ भेजने हैं, जैसे मैंने बताया था। फीस जो बिल्कुल जीरो रहेगी, यानी कि अगर आपके पास मौका है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिए। अगर दोस्तों एड्रेस की बात करते हैं तो ये एड्रेस यहाँ पर दिए गए, मैंने आपको एड्रेस दिखा दिया, हालांकि पिछली वीडियो में हमने बताए थे। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और एड्रेस दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने पूरे एड्रेस को दिया हुआ है, अगर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों वैकेंसी का ब्रेकअप भी दिया हुआ है, आप सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।